राजस्थान के जैसलमेर में चिकित्सा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां घायल को ले जाते वक्त एम्बुलेंस अचानक बीच में ही खराब हो गई। घायल के परिजनों ने एम्बुलेंस में धक्के लगाए, जिसके बाद मरीज को प्राइवेट गाड़ी से अस्पताल में लाया गया, जहां मरीज का इलाज किया गया। दरअसल ये पूरा मामला रामगढ़ का है, जहां रायमाला गांव में दो बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद परिजन उसको रामगढ़ अस्पताल लाए, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे जैसलमेर के जवाहर अस्पताल रेफर कर दिया। वहां पहुंची 108 एम्बुलेंस मरीज को लेकर रवाना हो गई, लेकिन बीच रास्ते में एम्बुलेंस बंद हो गई। परिजनों ने धक्के भी लगाए, मगर वो शुरू नहीं हो पाई। सरकारी व्यवस्था को कोसते हुए परिजन निजी गाड़ी का बंदोबस्त करके मरीज को जैसलमेर लेकर आए। फिलहाल गेमर सिंह का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि 108 एम्बुलेंस गाड़ी काफी पुरानी है और दो तीन बार पहले भी ऐसे ही रास्ते में खराब हो चुकी है। रास्ते में इसकी फ्यूल पंप में कचरा आ गया था, जिसे गाड़ी रास्ते में ही बंद हो गई थी।